रिवर क्रॉस होते ही ट्रैक जो है थोड़ा चैलेंजिंग सा आने लगे। ये तो बिल्कुल जंगल के अंदर है, यहाँ तो पता चले कोई जंगली जानवर भी आ सकता है नदी में पानी वानी पीने। जो है उस एंड तक जाएंगे। ये है बहुत ही बेहतरीन व्यू यहाँ का। अब तो हम बिल्कुल ही नदी के किनारे पे आ गए एकदम से, ये समझो कि नदी के अंदर से जाना पड़ेगा। हाय गुड मॉर्निंग। तो भाई सेटन विलेज में फाइनली हमें स्टे मिला और हमने स्टे किया द सेटन विला में। बहुत ही अच्छा एकदम न्यू न्यूली कंस्ट्रक्टेड ये है होटल और काफ़ी अच्छा स्टे ऑप्शन हमें मिल गया यहाँ पे। बहुत ही अच्छे रूम थे और बहुत ही इकोनॉमिकल भी हमें पड़ा, जो कि 2,000 का पर रूम पड़ा, मतलब 2,000 का एक पड़ा, 1,500 का एक पड़ा, दो रूम हमने लिए थे। खाना बहुत ही अच्छा था। और अब हम उड़ गए, अब हम जा रहे हैं हमटा पास की ट्रैकिंग के लिए थोड़ा सा, जहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि हमें एक मिलेगा एक वाटरफॉल, एकदम नेचर ब्यूटी। तो अब हम चलते हैं अपनी थार लेके लास्ट पॉइंट तक, हम अपनी गाड़ी से चलेंगे एंड देन उसके बाद हम ट्रैक करके आएंगे ऑलमोस्ट 2-3 घंटे का। पहुंच तो गए हैं यहाँ पे जहाँ से ट्रैकिंग शुरू होती है, एग्जैक्ट नहीं पता कहाँ से ट्रैकिंग शुरू होती है, बट लास्ट पॉइंट पे हम लोग पहुँच गए हैं जहाँ से एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से ट्रैकिंग शायद शुरू होती होगी। ये अपनी गाड़ी लगा दी हमने, बट यहाँ पे जो है इवनिंग में तो कुछ लोग थे, स्टॉल वगैरह थी, तो अभी तो कोई दिख नहीं रहा, तो देखते हैं अगर कोई मिल गया तो, क्योंकि हमें तो ये नहीं पता कि ट्रैकिंग शुरू होती कहाँ से है। तो भाई हमें मिल गया है ट्रैक का रास्ता और हम निकल पड़े हैं ट्रैक के लिए। तो हमारा जो ट्रैक है वो लगभग 2 किलोमीटर का ही है, कोई बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा। अगर मूड बना तो उससे आगे 1-2 किलोमीटर और जा सकते हैं। और यहाँ से शुरू होता है ट्रैक, स्टार्टिंग कुछ ऐसी है एंड ट्रैक की स्टार्टिंग में जैसे संदीप सिंह फुली एनर्जेटिक लग रहे हैं। ओ भाई 4 कदम चलते सांस तो फूलने लग गए, क्योंकि शुरू शुरू में ऐसा होता है, सुर के 5-10 मिनट ऐसा होता है। इसकी हाइट भी इस टाइम 3,000 फीट पे, मीटर पे है, सो हम 3,000 मीटर पे। वाह। जैसा कि नॉर्मली होता है किसी भी ट्रैक पे ना कि एक ट्रैक बना होता है, लेकिन यहाँ पे अभी तक तो इस तरह का कुछ भी नहीं है, सिंपल इस तरह के पत्थरों के बीच से निकलते जाओ, हल्का सा रास्ता है और यहाँ आके होता है सीन चेंज। वाह नदी की बहती हुई धारा। और भाई यहाँ एक छोटा सा ब्रिज है और रिवर क्रॉस होते ही ट्रैक जो है थोड़ा चैलेंजिंग सा आने लग गया है। ये देखिए वाह एकदम से व्यू चेंज, ये देखो एकदम स्नो वाइट माउंटेन है सामने, ये काले काले बंजर पहाड़ों के बाद एकदम सफ़ेद बर्फ से ढका हुआ और उसके बाद हरियाली, घास के बड़े बड़े मैदान। मज़ा आने वाला भाई ट्रैक पे, क्योंकि धीरे धीरे नज़ारे बदलते हुए जा रहे हैं। तो भाई वीडियो शूट करने के लिए मैं थोड़ा सा ऑफ द ट्रैक आ गया था और मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा ऑफ द ट्रैक का रास्ता कैसा होता है। ये देखिए मैं वहाँ से आया था, यहाँ से फिलहाल मैं यहाँ पे हूँ इस पेड़ के पास में, और
अब मैं जा रहा हूँ वापस ट्रैक की तरफ, तो मुझे फर्स्ट वो खुलती है गेट क्रॉस करना पड़ेगा ये वाला जो पड़ा है, एंड इट्स वेरी चैलेंजिंग। मिट्टी जो है बड़ी वैसी हो रखी है। रास्ता कहाँ से है? यहाँ से है? यहाँ से कहाँ से? नहीं यार, यहाँ से देखते हैं। चलो वो है ट्रैक जहाँ पे खड़े मिस्टर संदीप सिंह। ये तो ऊपर ही जाता जा रहे। हाँ कहाँ से आऊँ? वहाँ से आता हूँ, आगे से वहाँ से सीधा बन जाएगा। वहाँ की जड़ों में से काट के ट्रैक के रास्ते निकाल रखे हैं लोगों ने, मतलब स्टेप रखने के जगह बना रखी है। वाह देखो भाई, ये है ट्रैक और ये है नीचे सीधी खाई और नीचे नदी और सामने है सूखा पहाड़। और अगर आगे आगे बढ़ते हैं ट्रैक की ओर तो ये हैं बड़े बड़े पत्थर। अब यहाँ से दो रास्ते हैं, एक नीचे से एक ऊपर से। तो संदीप इज गोइंग फ्रॉम द लोअर साइड एंड आई विल गो फ्रॉम द अप साइड। यस, ये अप साइड है, वो डाउन साइड है। पानी दोनों ट्रैक पे, ये देखिए बड़े बड़े पत्थर मिलते हैं बीच में। तो जैसे जैसे हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जा रहे हैं, नज़ारे उतने ही खूबसूरत होते जा रहे हैं। और अब तक अगर आपने स्टार्टिंग में देखा होगा तो बस एक थोड़ा सा पहाड़ दिख रहा था, उस पर बर्फ गिरी हुई थी, और अब देखो पहाड़ कितने क्लोज आ गया, हमारे बिल्कुल साफ दिख रहा है।
वैली के ना लगभग आखिरी छोर पे आ गए। यहाँ से बर्फ़ वाले पहाड़ स्टार्ट हो रहा है, पूरा ग्राउंड हमें दिख रहा है, बगल से नदी जाती हुई दिख रही है। लेकिन जैसा हमें बताया गया था ना कि लगभग 2 किलोमीटर के बाद चल रहे हैं, तो आगे तो दोबारा हमें कोई गाइडेंस तो नहीं मिली इस बारे में। लेकिन यहाँ तक हमें कहीं कोई झरना नहीं दिख रहा। अब समझ नहीं आ रहा कि जाएँ तो किस तरफ जाएँ, झरना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या फिर ऐसे ही खाली हाथ वापस लौटना पड़ेगा। वी विल ट्राई, हम लोग जो है उस एंड तक जाएंगे। अगर उस एंड तक जाने पे हमें अगर झरना कोई क्लू मिला तो हम आगे जाएंगे, झरने तक श्योर जाएंगे। फिर तो कोई चांस ही नहीं है कि हम झरने पे ना जाएं, चाहे कितने डिफिकल्ट ट्रैक हो। और अगर वहाँ तक भी वही नहीं मिला तो फिर उसे आगे तो लाइक एक ब्लाइंड गेम हो जाएगा कि पता नहीं कहाँ है नहीं है, तो उसे आगे फिर हम लोग नहीं जाएंगे। तो चलो देखते हैं वहाँ तक पहुँच के। बड़ा डिफिकल्ट है वैसे आगे का ट्रैक, सारे पत्थर ही पत्थर पड़े हैं, बड़े बड़े उल्टा सीधा है, कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा। अब तो पैदल का जैसे ट्रैक बन जाता है ना, वैसा कोई ट्रैक सा भी नहीं दिख रहा, हम तो अंदाजे से चले जा रहे हैं। तो चलो देखते हैं। हम ऑलमोस्ट एंड पे आ गए, अगर नदी बहती है तो दिख रही है। ये देखो एंड पे आके ये व्यू मिल रहा है। ये देखो ये पूरी वैली, वहाँ से हम क्रॉस करके आए हैं वहाँ से पूरी, और यहाँ पे नदी, ऐसा लग रहा है कि नदी का स्रोत होता है ना, वहाँ पे शायद हम पहुँच गए। अब झरना कहाँ है वो देखने वाली चीज़ है भाई। अब भाई मुद्दा ये है, हैं संदीप, अब मुद्दा ये है कि झरना है कहाँ यार। झरना यही है क्योंकि बर्फ़ बहुत सी पिघल के ख़त्म हो चुकी है, इसलिए फ्लोर कम है। नहीं यार हाइट आ रही है, इधर चलते हैं क्योंकि नदी का फ्लो इधर से भी आ रहा है कहीं ना कहीं से, देखा उसे देखाते हैं। चलो तो देखते हैं, थोड़ा ट्राई करते हैं। इधर तो आगे दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा भाई, झरना वरना टाइप का। तो ये वाले एंगल पे चलते हैं। ये ना ना। अच्छा ये है, हाँ यही है ना, यही है। और ये देखो झरना मिलने की खुशी, कैसे भाई पत्थर के ऊपर डर के नाच रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन व्यू यहाँ का। तो दोस्तों ओवरऑल बहुत ही बेहतरीन नज़ारा है, और देख देख के मन तो नहीं भर रहा, लेकिन क्या करें, सफ़र जो है वापसी की तरफ भी बढ़ाना ही पड़ेगा। तो अब हम चलते हैं वापसी अपना उसी घाटी में जिस घाटी की तरफ से हम आए थे, और वापसी की ओर बढ़ते हैं।
रास्ते में कुछ और अगर डिफरेंट बेहतरीन व्यूज़ अगर हमें मिले तो हम ज़रूर शेयर करेंगे। तो भाई वापसी के ट्रैक पे ना, अच्छे वाले ट्रैक पे जाते जाते संदीप के माइंड में एक उपज आई है कुछ खुरापाती। वो कहते हैं, वो कहते हैं ना, आप अगर कहीं पे फंस जाओ अननोन जगह पे, आपको रास्ता ना मिले, हमेशा नदी के बहाव को फॉलो करते हुए जाओ। हालांकि ये नदी तो नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं छोटी सी नदी बनी हुई है और अब हम इसी को फॉलो करते हुए जाएंगे अपनी मंजिल तक जहाँ हमने अपनी थार पार्क कर रखी है। और मुझे उम्मीद है ये इस एक तरह से ऑफिशियल ट्रैक से ज़्यादा बेटर और ज़्यादा खूबसूरत होने वाला है क्योंकि साइड में छोटी सी नदी चल रही है और बहुत अच्छी अच्छी चट्टानें, ग्रीनरी, बहुत ज़्यादा सीनिक ब्यूटी बहुत ज़्यादा मिलेगी। आओ दिखाते हैं आपको। तो चलो भाई देखते हैं कैसे निकलता है ट्रैक, एक नई चीज़ हो गई है। तो ये देखो अभी से इसके पैर फिसलने शुरू हो गए, पैर कहाँ पर नहीं शुरू हो गए, सॉरी। तो एडवेंचर बढ़ने वाला है, देखते हैं ये वाला ट्रैक कैसा है भाई। लो भाई पहला ऑब्स्टेकल, छोटी सी नदी का एक पार्ट कह लो, ये क्रॉस करना पड़ रहा है। वाह पानी में चला गया था पैर थोड़ा। वैसे अच्छा है, डिफरेंट होगा थोड़ा सा ना, जिस ट्रैक से आए थे उससे डिफरेंट होगा थोड़ा सा, देखते हैं। और वाह ये देखो ना नदी भी तो है यार, नदी जैसी नहीं है, ये नदी है भाई, थोड़ी छोटी है लेकिन नदी है। बच गया पैर फिसलते फिसलते। मैं कह रहा था ना नदी के अंदर से जाना पड़ेगा, वही हो गया। वो देखो भाई तो पहुंच गया, ये लो माउंटेनिंग भी हो गई इस तरीके से, हम गरीबों की माउंटेनिंग तो हो ही गई। देख रहे हो कहाँ से डर रुको, ए अबे रुक जाओ।
भाई नदी के किनारे किनारे फाइनली हम अपने स्टार्टिंग पॉइंट के नज़दीक पहुंच गए, और यहां से नदी कुछ ऐसे चौड़ी हो जाती है। ये देखिए। हाँ जी, आप बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा? मेरी बात सही थी या गलत थी? एकदम सही थी, बढ़िया थी। थोड़ा चैलेंजिंग था रास्ता, लेकिन मज़ेदार है। नहीं, आप ये देखो, हमने ऑलमोस्ट 2 घंटे ट्रैक करके गए थे और मुश्किल से 15-20 मिनट में नीचे आ गए। ना ना ना, अभी रुको, टाइम बताता हूँ। 11:39 मिनट में, 40 मिनट में, यानी कि हाफ से 40 नहीं यार, वैसे उसके बाद ही चले थे। तो यहाँ पे ये रिवर जो है नीचे आके ख़त्म हो जाती है भाई। अब यहाँ से ना ये एक हाइड्रो प्रोजेक्ट है, ये शुरू हो जाता है, तो इससे आगे पानी रोक दिया गया है यहाँ पे। तो आगे ना तो हम वीडियो शूट करेंगे, और वीडियो शूट करना अलाउड भी नहीं है इससे आगे। तो हम यहाँ से करते हैं एग्जिट। पुल ये ना फ्लैग। हाँ, चलो भाई फाइनली पुल दिख गया है। ओह, पुल नहीं दिखा अभी, पुल के पास में जो झंडे थे वो दिखे, पुल भी हो भाई। फ्लैग का रास्ता कहाँ है? नहीं है, पता नहीं, ये तो बिल्कुल जंगल के अंदर है। यहाँ तो पता चले कोई जंगली जानवर भी आ सकता है नदी में पानी वानी पीने। इतना सन्नाटा है, एकदम घना जंगल। देखो नीचे, चलो लगता है पुल पास में ही है। आपको ले रहे हो ट्रैक हल्के सा, पैर फिसल गया तो किधर वहाँ पर बंद है? कहाँ से? आगे से चलो, आगे साइड से। मजा है अब इस ट्रैक पे? हाँ, अब कैसा लग रहा है? मैं तो अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। हाँ चलो, वो है ना उससे ऊपर से फ्लैग तो दिख गए। चलो भाई वापस चलते हैं, नीचे से तो रास्ता नहीं है, ढूंढते हैं ट्रैक। क्या चढ़ पाएंगे यहाँ से? लेट्स ट्राई। चढ़ने का नहीं होता कि बॉडी को पूरा आगे झुका दो चढ़ाई पे और फिर चढ़ जाओ। मिल गया है? हाँ। यही ट्रैक है? हाँ। मैं भी चढ़ता हूँ। कहाँ है बे ट्रैक? कहाँ है? नहीं, नहीं, ये ट्रैक नहीं है। तो गाइस फाइनली हमने ट्रैक ढूंढ लिया है, जंगल से बाहर आके वापस हम उसी पुलिया पे आ गए जहाँ से हम गए थे। और ये देख के बड़ा ये रिलीफ मिल रहा है। ये देखिए, यही वो नदी है जो हमने स्टार्टिंग में क्रॉस की थी। तो भाई फाइनली हम पहुंच गए अपने गाड़ी के पास, और हम पहुंच गए। अब एक छोटी सी लेक देखने जा रहे हैं, हम देख के आते हैं। यू एंजॉय, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। यस, मैंने